नाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला चौथा अंतर अज्ञान भई मत मध्यम सतगुर की प्रतीत नाही अंदर कपट सब कपटो कर जाने कपटे खपहे खपाही अंतर अज्ञान भई मत मध्यम सतगुर की प्रतीत नाही अंदर कपट सब कपटो कर जाने कपटे खपहे खपाही सतगुर का भाणा चित ना आवे अपने सुआए फिराही किरपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाही महला चौथा मनमुख माया मुहि व्यापे दूजै पाए मनुआ फिर नाही अन दिन जलत रहे दिन राती हों मैं खपहे खपाहे अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निकट ना कोई जाहे वे आप दुखी सुख कबहु ना पावहे जन्म मरहे मर जाहे नानक बख्श लाए प्रभ साचा जे गुर चरनी चित लाहे पाउड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया से विचखण जंत जिनी हार त्याया अमृत नाम निदान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक भये पुनीत हर तीरथ नाया संत जना की तूर मस्तक लाया नानक भये पुनीत हर तीरथ नाया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहेगुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए जहाँ आप बुलाए सोए गुरमुख बानी ब्रह्म है शब्द मिलावा होए कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी बरन सक महमा ज्योतिहारी
हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुरगद्दी दे मालिक गुर सिंघासन ते प्रकाशमान, शतर चबर तख्त दे मालिक सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे अंदर प्रकाशमान हुंदियां आए अज दे पावन हुक्म नू। इस समय आप जी ने गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल श्री अमृतसर साहिब जी दे इस पावन दर तो श्रवण करना कीता। आओ साहिब दी असीस प्राप्त करदे आं। शब्द विचार आरंभ तो पहला एक बारी कलगी तार दशमेश पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जी दी बख्शिश की हुई पावन फतेह नाल सारे सांझ पाओ ते बड़े प्यार ते सत्कार सावधान ते एकाग्रता विच भर के आखो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अज दे ए पावन हुक्म श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे 652 अंग तो आरंभ होके 653 अंग तक संपूर्ण होंदे ने। इस 66 की वार महला चौथा की बाणी दे विचों दो श्लोक वह भी धन गुरु रामदास पातशाह जी दे ने। पहला श्लोक 4 पंक्तियां दा ते दूजा श्लोक 5 पंक्तियां दा है। उपरंत पौड़ी वह भी धन गुरु रामदास पातशाह जी दी 5 पंक्तियां दी है। आओ साहब दी असीस प्राप्त करिए ये दो श्लोक ते पौड़ी दी विचार अंदर सुरत विच टिक सके। मालक दी रहमत होवे दासरा इस शब्द विचार नू विचार सके। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप कृपा करन जी। आओ आपा सवारिए अपने भले लई ते सर्वत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला चौथा अंतर अज्ञान भाई मत मध्यमा सतगुर की प्रतीत नाही। अंतर अज्ञान है ज्ञान नहीं है, अंदर बेसमझी है नादानी है भुल है। अज्ञानता दे भाव ही ए ने जैसा चलना चाहिए वैसा ना चले ते जैसा नहीं चलना चाहिए वैसा चले। जो असल विच सच है ओ सच ना दिसे ते झूठी दुनिया ओ सच नजर आए इस नू अज्ञान कहिंदे ने। ज्ञान दे अर्थ ने जानकारी सोझी आत्मा नू आत्मा ते परमात्मा नू परमात्मा जानना देह नू ते इस मिथ्या संसार नू मिथ्या जानना इस नू ज्ञान कहिंदे ने। पर अंदर है अज्ञान अंदर सोझी नहीं है बेसमझी है ते मत है मध्यम ये ते गल सच है। ज्ञान दी कसौटी ते मत स्याणी बन जांदी ज्ञान होवे ते स्याणा है
ते जे ज्ञान नहीं ते मत मध्यम है ते हालत अज पता की है। ये जेडे साडे पांच ज्ञान इंद्रिये ते पांच कर्म इंद्रिये ने ना हजूर दी बाणी दा इक भगत बाणी दे बोला राही कथन है, ये हो गए ने ताकतवर इंद्री सबल, ये सबल हो गए बल वाले बन गए, इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नाही, मत हो गई कमजोर वो हो गई निबल, चूंकि अंदर विवेकी मत नहीं है, तो जदों विवेकी मत नहीं सियाना नहीं तो परमार्थ विच प्रवेश नहीं करेगा, अकारथ वाल जाएगा। इस करके मेरे साहब कहते ने अंतर अग्ञान भई मत मध्यम, एक है मध्यम मत एक है उत्तम मत, उत्तम मत मेरे हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीतम मोह लागै नाओ। जदों वाहिगुरु की बंदगी सिमरन वल मत चले तो मैं एक बेनती करा वो अपनी नहीं होंगी, वो गुरु को मिली होंगी, इस करके उसनू गुर मत कहते हैं। जो गुरु को मिली हुई मत होवे वो उत्तम है, जो कूड़ कबाड़े संसार वालों आई हुई अंदर अकल होवे उसनू मध्यम मत कहते हैं, उसनू कुमत कहते हैं, उसनू मनमत कहते हैं। तो मेरे साहब कहते हैं अंतर अग्ञान भई मत मध्यम, सतगुर की प्रतीत नाही, सतगुरु ते भरोसा नहीं है, सतगुरु ते विश्वास नहीं है, प्रतीत नहीं ते अपनी सियानप वरतदा। इत्थे मैं बेनती करांगा जिन्हां नू सतगुरु ते प्रतीत आई उन्हां सतगुरु दा उपदेश सुन के किंतु परंतु नहीं कीता, अपनी मत ते परखण दी कोशिश नहीं कीती, जदों गुरु दे उपदेश ते पूर्ण तौर ते प्रतीत कर लईए, जाकै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत। जे सतगुर की प्रतीत ना आईआ शब्द ना लागो पाओ, उसनों सुख ना उपजै भावें सौ गेड़ा आवो जाओ। इस करके मेरे साहब कहते ने मत मध्यम हो गई है, तो हुण सतगुरु ते भरोसा नहीं, सतगुरु ते प्रतीत नहीं है जी। अंदर कपट सब कपटू कर जाने, कपटे खप हे खपाही। अंदर कपटी है, अंदर लापा धोखेबाज है, जापदा ते नदी किनारे बैठा बड़े टिकाओ वाला है बगला, एक लत चोक के खलोता है, एन अखां मूंद के खलोता है, ते की आखांगे भगत के बगला भगत मच्छी दी ताक विच बैठा। इस ढंग दा किसे दा भी जीवन होवे, बाहरों चंगा जापे मिठा बोलदा जापे धर्मी जापे, पर अंदर अपनी किसे चलाकी ते चाल खेडन ते खलोता होवे, दूसरे नू नीवा दिखाउन ते उस दा कुछ खून ते खलोता होवे, उस नू कहंदे ने बंदा कपटी है। जिन मन होर मुख होर, ए कपटी दे लक्षण ने, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया, ते साहब कहन लगे अंदर कपटी है, उन्हूं सारे कपटी नजर आंदे ने, ते फिर इस कपट दे विच ओ खपदा भी है ते खपांदा भी है। कपटे खपै खपाही, आप भी दुखी हुंदा ते फिर इस कपट दे अधीन ओ दूजियां नूं भी दुखी करदा है जी। सतगुर का पाणा चित ना आवै, अपने सुआए फिराही। सतगुरु दा पाणा ते अंदर हिरदे विच आवदा नहीं, सतगुरु दी रजा विच रहिंदा नहीं, ते अपने स्वाद लभदा फिरदा। इत्थे एक गल ध्यान च रख लेना, ये रस छाडे ओ रस आवा, ते जे अपने स्वाद लभेगा ते ये सच है भी जो गुरु आखे उस मार्ग ते नहीं चलेगा, ते जे सतगुरु दा भाणा ही नहीं मनदा, सतगुरु दी रजा विच नहीं लैंदा, चूंकि गुर के ग्रह सेवक जो रह उनका काम की है, गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ ना जनावे। जे अपने आप नू कुछ जनांदा है अपनी अकल वरतदा ते समझ लेना गुरु दी प्रसन्नता नहीं लै सकदा। ये सच है
भी बहुतात लोग ऐसे ने, सारे नहीं, मैं बेनती करांगा, सारे नहीं पर बहुतात गिनती उन्हां लोगां दी है, वो गुरु कोल आउंदे ते हैं पर गुरु दी आज्ञा अनुसार नहीं चलदे। तो मैं एक बेनती करांगा, जरा क अपने अपने जीवन वाल झात मार के देखियो, मेरे सतगुरां दा ओ हुक्म ओ भाणा भी भलिया तू अमृत वेले जाग, गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठ, हर नाम ते आवे उद्दम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सर नावे, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लै जावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहिंदिआं उठदिआं हर नाम ते आवे, कि ये सतगुरु दे भाणे ते चलदे हां कि अपना स्वाद कहिंदा है भी थोड़ा होर सौ लो, उठो ते खा पी लो, दुनिया वल दौड़ जाओ। इन्हें अपने मन दे स्वाद ते साहब कहन लगे, ऐसे अज्ञानी लोग, मध्यम मत वाले लोग, कपट विच भरे हुए लोग, वो सतगुरु दे पाने विच ते नहीं चलते पर अपने स्वाद पिछे, इंद्रियां दे स्वाद पिछे, अखां दे नक नासका जीबा दे स्वाद पिछे दिन रात दुनिया वल दौड़े फिरदे हन जी। कृपा करे जे अपनी ता नानक शब्द समाही। जे वाहिगुरु अपनी कृपा करे ते चौथे नानक जामा, चौथा है जोत नानक है, ध्यान च रख लेना, जोत अकाल पुरख वाहिगुरु दे ओ पहले जामे वाली ही सारिया च पई वरतदी है। ते मेरे साहब कहंदे ने मालक दी कृपा होवे तां ओ शब्द दे राही वाहिगुरु विच समा सकदा है। ये कह लईए शब्द विच घुल मिल जाए ते वाहिगुरु विच घुल मिल जांदा, जे शब्द विच आपा लीन कर लेवे गुरु दे उपदेश विच, चूंके गुर कै शब्द बनावो एहो मन, ध्यान च रखियो साडा मन चूंके दुनिया वेखी ते दुनिया दा ओ ख्याल, किसे चित्र दा ख्याल, किसे संसारक पदार्थ दा ओ नक्शा अंदर आ गया, उन्होंने दुनिया राही मन बनाया। ते गुरु के सिख ने गुरु के शब्द दा जो उपदेश सुनिया मन विच ऐन ओही नक्शा चित्रिया गया, इस अर्थ हो गया गुर कै शब्द बनावो एहो मन। तो साहब कहन लगे जे मालक दी कृपा होवे तां ही ओ शब्द विच लीन होया होया शब्द दे राही वाहिगुरु विच एकमिक हो जांदा है, समा जांदा है जी। महला चौथा, इत्थे दूजा श्लोक आरंभ हुंदिया धन गुरु रामदास पातशाह फरमान करदे हन जी। मन मुख माया मोहे व्यापे, दूजा पाए मनुआ थिर नाहे। मन नू मुख रख के चलन वाले, मन ड्राइवर बना लिया ते आप मगर डब्बे बन गए, ये सच है, इंजन बन गया मन ते आप बन गए डब्बे। जिधर जिधर मन ने ख्याल किया, मन जो सोचिया उस तरफ मगर तुर पे, ते समझ लेना बन गए मन मुख। ओ की ने माया मोह व्यापी, ओ माया दे मोह विच इतने अपने आप नू फसाई बैठे ने, सच करके जानियो माया वर्तन लेते है पर इस नाल ममता दा नाता जोड़ के रिद अंतर माया माया, ये ध्यान करन वास्ते जीवन नहीं मिले पर मनमुखां दी हालत है ओ माया दा अर्थ अकेला धन नहीं। मैं बेनती कर लगा ये जितना भी मन नू कशिश पाउण वाला, मन नू खिच पाउण वाला संसार है, वो चाहे पुत्र होवे, औरत होवे, पत्नी होवे, पति होवे, वो धन होवे, वो मकान होवे, ओहदा होवे, जायदाद होवे, सुंदर रूप होवे, जवानी होवे, मत दी सियानप होवे, कुछ भी होवे, वो सारे दी सारी माया है जिस नाल जुड़िया रब भुल जाए। ये माया जित हर विसरे, उथे ते साडा बड़ा मोह पै गया। ते हजूर कहन लगे फिर की होया, दूजा पाए
चूंकि जिधर प्यार पाएगा खिच ते उधर मन दी जाएगी ना, तार ते ओही जुड़ गई ना, ते बार बार चितवना भी उसे दी आएगी, ते फिर मनुआ थिर ना है, मन कितों टिकेगा। लोग कहते जी बाणी पढ़ते हाँ मन नहीं टिकता, वाहिगुरु करते हाँ मन नहीं टिकता। पहला तो इस दुनिया दियां रस्सियां नाल बन लिया, वो कभी कोई तार खिंच पाती है, कभी कोई तार खिंच पाती है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने एक बार यही सवाल किया, भाई साहब बड़े विद्वान हो, अंदर का नुक्स तो दसो कारण की है, मन टिकता क्यों नहीं। तो भाई गुरदास साहब जी ने बड़ा एक फलोसफी भरिया कबित उचारिया, कहन लगे एक मन आठ खंड, खंड खंड पांच टूक, टूक टूक चार फार, फार दोए फार है, ताह ते पीसे और पीसा एक पांच टांक, टांक टांक मासे चार अनक प्रकार है, मासा एक आठ रत्ती, रत्ती आठ चावर की, हाट हाट कोट कोल तलो तार है, पूर पूर रहे सकल संसार बिखे, बस आवे कैसे जाको एतो विस्तार है। भाई साहब जी ने मन की गल समझाने वास्ते तोलन वाले वटे मन की गल की, चाली शेर वाल, पुरातन समय चाली शेर, फिर बन गया चाली किलो। हुण कहन लगे एक मन का वटा होवे, इक्को ही पीस होवे, उसनूं एक थां चुको तो दूजी थाई रख लो। कह लगे उस दे बना दिए अठ टुकड़े, अठ पंसेरियां बना दित्तियां, हुण उन्हां अठां नूं चुकना पैंदा। कहिंदे अठां दे अगे एक एक सेर करके होर चाली वक्रे वक्रे सेर दे टुकड़े रख दईए, हुण ओह चालियां थावां ते वंडिया गया। कह लगे अध अध सेर दे होर कर दईए, हुण अस्सी थाई हो गया, पाइया पाइया कर दिता। कह लगे हुण 160 बन गया। कह लगे उसनू छटाकां विच वंडिया, अगों फिर उसनू छोटा करदिया करदिया कह लगे रत्तियां विच वंड दिता, रत्तियां तो अगे चौलां दे दाने बना दिते, चौलां दे दानियां तो अगे होर छोटा कर दिता, राई राई कर दिता। ते कहन लगे राई राई करके उस एक मन दे वटे नू जे चार च फेरे खिलार दईए ते राई राई कट्ठी कित्थों करोगे। ध्यान च रख लेना, गल बड़ी फलोसफी नाल कीती है भाई गुरदास साहब जी ने। कहन लगे तेरे मन दी हालत यह है, जिथे जो वेख्या वो पहला संकल्प बनिया, उस तो बाद उसका विकल्प बन गया, किते तू प्यार वाला ते किते नफरत वाला संसार अंदर इकट्ठा कर लिया। कुछ तेनू चंगा लगा वह भी तेरे अंदर जेहन विच वस गया, कुछ तेनू बुरा लगा पर वह भी ख्यालां विच वसाई बैठा, वो तो जेड़े अनेकां ख्याल वह दूजे भाए वाले अंदर वसा ले ने। हुण मन तेरा कित्थों टिकेगा, कभी कोई तार खिंच पाती है, कभी कोई तार खिंच पाती है। इंज हजूर बाणी विच फरमान करते ने, मनमुख माया मोह व्यापे, दूजे पाए मनुआ थिर नाहे। कभी एक वाहिगुरु नाल प्यार करके ते वेख, एक वाहिगुरु नू आपा समर्पित कर दे, उस नाल जुड़ जा। एक पुरातन गाथ है भाई गुरदास साहब जी ने टूक मात्र इशारा किया, रांझा हीर वखानी है ओ पिरम पराती। कह लगे भलिया देख, एक मजाजी इश्क विच हीर रांझे नाल प्रीत कर दी है, एक शरीर दी आशक बनी है, ते उसनू ते हर वेले रांझा दिसदा। चली जांदी सी अगे मुल्ला मुसल्ला विछा के, हुण नमाज पढ़न लगा ते हीर नू नहीं पता भी अगे कपड़ा विछिया, मुल्ला बैठा ए नमाज पढ़न लगा, काली काली आई ते उस मुल्ला दे मुसल्ले ते पैर रख के लंघ गई, बड़ा गुस्सा चढ़िया। ओह बड़े रोब विच ते गुस्से विच कहिंदा, ओ तैनू दिसदा नहीं की करदी है, मेरी नमाज कजा कर दित्ती है, मैं नमाज पढ़न लगा सां उत्ते पैर रख के लंघ गई है। उस आखिया नमाज किस दी पढ़न लगे सौ, कहन लगे अल्लाह दी खुदा दी। ते हीर ने कहिंदे ने मत्थे ते हाथ